लोकसभा चुनाव के बाद अब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पर है। इस बार कम से कम राज्य में 9 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होना तय है। यह चुनाव मौजूद विधायकों के सांसद बनने के बाद होगा। विभिन्न दलों के कुल मिलाकर 9 विधायक इस बार सांसद बने हैं। लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने वाले विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है, तो कुछ और विधायक अभी इस्तीफा देंगे। आपको बता दें, इस्तीफा देने वाले विधायकों में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी हैं। इस बार लोकसभा चुनाव में वो फिर से सांसद बने हैं और उन्होंने यूपी की कन्नौज सीट से जीत दर्ज की है। बता दें, जीत दर्ज करने के बाद उन्होंने दिल्ली की सियासी संभालने का फैसला किया है। इस वजह से अब उन्होंने विधायक के पद से इस्तीफा दे दिया है और करहल विधानसभा सीट इस लिहाज से तो खाली हो गई है। अब जान लेते हैं कि क्या कहते हैं ये आंकड़े। आपको बता दें कि करहल विधानसभा सीट की यदि हम बात करें और इस पर नजर डालें, तो यह सीट मैनपुरी लोकसभा सीट के ही अंतर्गत आती है। मैनपुरी सीट से अखिलेश यादव की पत्नी जो कि डिंपल यादव हैं, डिंपल यादव को सपा ने प्रत्याशी बनाया था और इस सीट पर डिंपल यादव ने करीब 2.21 लाख के अंतर से जीत दर्ज की थी। बता दें, उन्होंने योगी सरकार के मंत्री जयवीर सिंह को हराया है। लेकिन हम मैनपुरी सीट के अंतर्गत आने वाले करहल विधानसभा सीट पर यदि नजर डालें तो देखते हैं क्या कहते हैं आखिर। दरअसल करहल सीट पर सपा के डिंपल यादव को 55,000 वोटों की बढ़त से इस बार के चुनाव में मिली है। जबकि अगर बीते विधानसभा चुनाव के नतीजों पर हम गौर करें तो अखिलेश यादव ने करहल सीट पर करीब 67,000 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी, लेकिन अब उनके इस्तीफा देने से यह सीट भी खाली हुई है और अब इस सीट पर उपचुनाव से पहले लोकसभा चुनाव में कम हुआ मार्जिन सपा के लिए टेंशन बढ़ा सकता है। सूत्रों की माने तो इस सीट से अखिलेश यादव के परिवार से तेज प्रताप सिंह यादव को उम्मीदवार बनाए जाने की तैयारी है। और आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने 24 नवंबर 1999 को डिंपल यादव से शादी की थी। इसके बाद अखिलेश यादव सक्रिय राजनीति में आए और 2000 में उन्होंने पहला चुनाव लड़ा। अपनी राजनीति पारी शुरू करने पर अखिलेश यादव ने कहा था कि मैं बाहर था तभी मेरे पास नेताजी का फोन आया और मुझसे कहा गया कि आपको चुनाव लड़ना है। वहीं बता दें, 2000 में कन्नौज लोकसभा का उपचुनाव अखिलेश यादव ने लड़ा और 27 साल की उम्र में अखिलेश यादव सांसद बन गए थे। अखिलेश यादव ने 2004 में भी कन्नौज से चुनाव लड़ा और दूसरी बार जीते। 2009 में अखिलेश यादव ने 2 सीटों कन्नौज और फिरोजाबाद से लोकसभा सीट का चुनाव लड़ा और दोनों सीटों पर जीत दर्ज की और फिर फिरोजाबाद सीट छोड़ दी। इस बीच मुलायम सिंह यादव ने सपा की प्रदेश इकाई के नेतृत्व की जिम्मेदारी अखिलेश यादव के कंधे पर डाल दी। अखिलेश ने अपनी जिम्मेदारी भी खूब निभाई और 2012 के चुनाव की औपचारिक घोषणा से पहले ही अखिलेश कभी क्रांति रथ यात्रा तो कभी साइकिल से की यात्रा निकालकर पूरे देश को मानो मत डाला। बता दें, अखिलेश यादव के 2012 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव गेम चेंजर साबित हुआ। इस चुनाव में सपा ने 224 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया। इसका पूरा अखिलेश यादव की रणनीति को दिया जाता है। मुलायम सिंह यादव ने अपने बेटे अखिलेश यादव की मेहनत का इनाम उन्हें मुख्यमंत्री का पद सौंप कर दिया। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया के तमाम उत्तराखंड की छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।